कोरोना काल में जहां कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने पूरे प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन लागू कर दिया, इस लॉकडाउन में शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर शुरू हुआ लॉकडाउन सोमवार की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा, जिसमें जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी चीजें बंद रखने के आदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। इसी क्रम में सरकार के द्वारा घोषित लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस बाकायदा बैरिकेटिंग कर चेकिंग करती हुई नजर आ रही है और जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। कुछ लोगों के साथ पुलिस सख्ती के साथ साथ डंडों का भी इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है। साफ तौर पर कहा जाए तो जिस तरीके से सरकार ने 55 घंटे का लॉकडाउन लागू कर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, उस लॉकडाउन के लागू होने के बावजूद भी कुछ लोग बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिन पर पुलिसिया कहर टूटता हुआ नजर आया। कोरोना काल में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने पूरे प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन का फॉर्मूला दिया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहा करेगा और इसका खाका जो खींचा गया है उस पर सबसे ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं पुलिसकर्मी, जो कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं, उनका जज्बा वाकई काबिल तारीफ है। मेरठ की हम बात करें तो जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, चेकिंग करा रहे हैं, जो बेवजह लोग घूम रहे हैं पुलिस उन्हें हिदायत दे रही है कि वो अपने घरों में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। तो जाहिर तौर पर जो सरकार ने फॉर्मूला दिया है लॉकडाउन का वो लोगों की सुरक्षा के लिए दिया है, लोगों के साथ सख्ती भी की जा रही है। जो लोग बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं पुलिसकर्मी साफ तौर पर उनसे सख्ती कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बात की अपील भी कर रहे हैं कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण हर किसी को जद में ले सकता है। तो इसी से बचाव के चलते हुए सरकार ने जो फार्मूला दिया है वो लॉकडाउन का फार्मूला है और अब जिस तरीके से पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं, वो जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो लोग घरों में रहें और अपने आप को महफूज रखें, लेकिन जो लोग बेवजह घूम रहे हैं पुलिस उनके खिलाफ सख्ती से भी पेश आ रही है। कैमरामैन सुरेश दहिया के साथ आदिल रहमान, मेरठ, पंजाब केसरी टीवी।